अब ये हम क्या प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं कि माइंड ऐसा कर रहा है हमारे में कोई तरीका? तभी विश्वास करेगा लॉजिकल माइंड को। यस, आप सबको ये मालूम है कि बीपी क्या होता है हमारा? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर लोअर इज 80 एंड मैक्सिमम इज 120। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन, करेक्ट? लेकिन माइंड के लिए ना ऐसा बताना बड़ा मुश्किल है किसको किस पॉइंट पे एंजाइटी होगी। अगर हम बीपी की मशीन नापे, मान लो यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो लगभग 70-80% का सेम आएगा, किसी को डिसऑर्डर नहीं है, 5-7% ऊपर नीचे। लेकिन अगर हम किसी के माइंड की वेव को नापने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यू विल से कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट हर एक के लिए डिफरेंट होगा। एक बैंड में सेम हो सकता है अगर हम सब कॉमन है, लेकिन उसकी फिगर जरूर डिफरेंट होगी और उसमें कर्व बना सकते हैं हम, साइन वेव कर्व बनेगा, जिसका जितना ज्यादा कर्व बन रहा है तो उसका उतना कंट्रोल कम होता जाता है। ये करके देखें क्या एक बार? Would you like? Yes. आइए कौन आएगा यहाँ उसका करते हैं। ये बात भी मेरी हेल्प करेगा। नोट करनी है अपने कागज पर। बोलना नहीं है, इनको नहीं बताना आपको। बिल्कुल नहीं। वो इस पे आ गया। हाँ, क्यों नहीं? डिजिट आ गया कोई? हाँ। क्या कोई नहीं? राम देव। राम केवल। बिल्कुल रिलैक्स, सोचना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग, ठीक है? गहरी लंबी सांस लीजिए 3 बार और उसके बाद लंबी ही सांस लेंगे और उस पे नजर बनाए रखेंगे आप। 1 मिनट सर, आप किस पे काम करते हैं? किसी चीज से आपको प्रेशर आता है? किस चीज से खुशी है? ठीक है, मॉड्यूल रेडी। अब अभी सांस लेते हैं, आप बंद कीजिए। गहरी लंबी सांस, बिल्कुल पेट तक जानी चाहिए और उसी पे आप बिल्कुल ध्यान बना के रखेंगे आपको दिमाग को कहीं और लगाने के लिए। गहरी सांस लेते रहिए और बिल्कुल दिमाग को शांत रखिए, छोड़ने मत दीजिए इसको इधर और उधर। सांसें आप नॉर्मल कर लें,
लोग हैं उनको देखते करना क्या है। क्या नाम है आपका? शोभा। क्या करते हैं आप? सांस पे ध्यान बनाए रखिए आप, और इमेजिन कीजिए आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां बहुत सारी पूजा पाठ हो रहा है, बहुत ही अच्छा रिलैक्स माहौल है, यू आर एंजॉयिंग दैट प्लेस। जो भी अच्छा प्लेस आपको याद हो वहां का इमेजिन कीजिए।
यू आर एंजॉइंग वेरी वेल, बहुत खुश हैं आप, उस मोमेंट को फील कीजिए और अपने सांस पर ध्यान बनाए रखिए। अब आप बाहर आ रहे हैं उस प्लेस से, जिस भी प्लेस पे आपने ज़ूम किया है, सडनली आप बाहर आने के बाद आपने गाड़ी उठाई है अपनी और चलाना शुरू किया आपने उस गाड़ी को, यू आर मूविंग नाउ एंड यू सी अगेन दैट कलुराम इज देयर विद ऑन ट्रक एंड ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू। And first he hit someone there, and you are watching all the things. Feel करें आप उसको कि आपकी तरफ आ रहा है. You are feeling उस fear को समझिए. And now that you are right. अज्यूम करें आप उसके बाद व्हीकल को गया बट यू आर फिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड यू आर आउटसाइड ऑफ द व्हीकल यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड्स एंड टेलिंग देम व्हाट हैपेंड हियर सडनली अलार्म बजा है और अभी There was nothing. You are on the bed. You are on the bed and just feeling. ये सब सपन था। और धीरे-धीरे normal stage में आइए, जैसे हम नींद से आते हैं। Feel करें। और बस एक से तीन तक यहाँ पर you open your eyes. You feel that? लेकिन सर से मैं सवाल पूछता रहूंगा क्योंकि ये मेरे को जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये जन ऑल द होमवर्क सर बिगनिंग सबकी अलग अलग थी एक होनी चाहिए ना वैसे तो सबकी अलग अलग थी सबने एक अच्छा टाइम फील किया इसमें और एक टफ टाइम फील किया सबके पैरामीटर अलग अलग थे हम जाके थे कोई नहीं अगर नहीं कोई बात नहीं अगर आप इसको मैं जो बोल रहा हूं अगर आप पब्लिक को समझा पाए क्योंकि यू हैव डन दिस होमवर्क थैंक्स अ लॉट अगर मैं उसके ऊपर ग्राफ बनाना चाहूं ग्राफ समझते हैं ना बच्चे बनाते हैं ग्राफ यहां से शुरू करके ऐसे करना चाहूं करेक्ट तो यू विल सी किसी की ये डेप्थ बहुत ज्यादा होगी किसी की बिल्कुल ही नहीं होगी करेक्ट ऐसा क्यों हो रहा है एंड कोई आदमी हजार की जो नंबर है उस रीडिंग को क्लोज भी नहीं किया होगा किसी ने वो हजार को बहुत ऊपर का क्लोज कर लिया होगा मैंने फिगर देखी नहीं है बिल्कुल करेक्ट यस सो दिस इज द माइंड पावर व्हिच वी शुड एक्सप्लेन टू आवर सेल्फ फर्स्ट देन आवर अच्छा सर एक क्वेश्चन है हां पूछिए अब इसमें जितने सवाल हो सकते हैं आप पर्सनली पर्सनली मत पूछिए किसी का जो स्टार्ट हो गया जैसे काम से था फिगर उसमें कह रहा हूं जैसे 200 something, किसी का 400 something, किसी का 700 something, वो भी एक difference है इसमें। हम उसका एक average parameter है, एक average therapy है उससे, उसके हम therapy नहीं कहते हैं। अगर वो average पे रहता है आपका, किसी का average 300 हो सकता है, किसी का 600 हो सकता है, इधर देखिए। ये ladies जो जैसे कोई बात नहीं, mind कोई कोई किसी का 300 हो सकता है या किसी का 600 हो सकता है अगर कोई एक एवरेज होता है जिसका भी जो है और वो वेरिएशन हो रहा है उसका 600 से वापस 300 आ रहा है तो स्पाइक विल बी वेरी हाई इन ग्राफ सो ही इज फीलिंग वेरी हाई इन एंजाइटी जो ये बोल रहा हूं जो भी लोगों ने किया होगा वो उस बात को नोट करना चाहिए उनको मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रॉब्लम है सबको बताऊं और जिसका कम हो रहा होगा ही इज नॉट फीलिंग एनी किसी का बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा शुरू में तो मे बी ही इज इन द डिप्रेशन क्योंकि एक लेवल से ऊपर जाना वेरी डेंजरस है
जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेशन की एक स्टेज होती है, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जो स्टेज आती है, अगर आप इस पर कोई मेडिटेशन वाले आदमी को लगाएंगे तो इसकी रीडिंग डिफरेंट होगी, अगर उसी रीडिंग में हम परमानेंट रहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, और उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट सेट पे आता है।